नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 17वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शारजा के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और पहले ही ओवर में रोहित शर्मा का विकेट गिर गया था, लेकिन इसके बाद क्विंटन डिकॉक और ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। क्विंटन डिकॉक 39 गेंदों पर 66 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन ईशान किशन एक छोर को संभाले हुए थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। फील्डिंग में सनराइजर हैदराबाद ने कुछ खास इस मुकाबले में नहीं किया था, लेकिन पारी के 15वें ओवर में मनीष पांडे ने एक कमाल का कैच लपक कर सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, संदीप शर्मा की गेंद पर ईशान किशन ने एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। पहली नजर में लगा कि गेंद काफी तेजी से बाउंड्री लाइन को पार कर जाएगी, लेकिन इसी दौरान मनीष पांडे ने फुल लेंथ सुपरमैन डाइव लगाते हुए ईशान किशन का कैच लपक लिया और उनकी 23 गेंदों पर 31 रन की पारी का अंत कर दिया। ईशान किशन ने इस दौरान एक चौका और दो छक्के लगाए। आपको बता दें, मनीष पांडे का यह कैच इतना शानदार था कि कमेंटेटर्स के मुंह से भी निकल पड़ा था, ओ माय गॉड। साइमन डूल ने तो इस कैच को इस सीजन का अब तक का सर्वश्रेष्ठ कैच भी बता दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।